Ja, hej, 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 hej. मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ। और कितना फूलेगी तू? तो कस के गले मिल रही कैसे? उस दिन नवाजुद्दीन आए थे, आप इतना कस के उनसे गले मिल रहे थे, मैंने आपसे कुछ कहा? वो तो मेरे भाई जैसे, वो तेरे भाई जैसे? नहीं, ये तो मेरे हाथ से निकले बॉयफ्रेंड जैसे हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि हम दोनों के बीच में ना एक 50-50 का रिश्ता है। अच्छा, 50% तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे कहने पे आप यहां पर आ गए, लेकिन 50% मैं आपसे नाराज भी हूं। क्यों? क्योंकि आपने क्या एंगेजमेंट कर लिया और मुझे कंसीडर भी नहीं किया। तुझे कंसीडर किया था, इनको बाली टापू ज्यादा अच्छा लगा, इन्होंने वहां पे जाके एंगेजमेंट कर ली। मैं एज फ्यूचर वाइफ कंसीडर करने की बात कर रही हूँ। क्या फ्यूचर वाइफ? इस बात पे ना मैं तेरे प्रेजेंट पे कंटिन्यूस मुक्के मार सकता हूँ। बड़ी घटिया बात की तूने। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? कोई पैसा देता है आपको? खैर चलिए, रहने दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मेन पॉइंट क्या है, मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जो दुनिया भर में कोई नहीं जानता जिसे, उन्होंने यहाँ पर एक नई स्कैनिंग मशीन खरीदी अपने हॉस्पिटल में, और हम चाहेंगे कि उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन आप अपने हाथों से करें। जरूर भाई, चेक कर लेना चलती भी है कि नहीं, ये झूठ बड़ा बोलते हैं लोग। ये टाइप के लोग होते हैं, जब अंडरवेयर भी खरीदने जाते हैं ना तो इलास्टिक चेक करने के लिए यूं खींच खींच के ये अंडरवेयर खरीदने के बाद आपको पहननी है ना, या गुलेल बना के आपको पत्थर मारने उससे? अच्छा, हम तो खींच के देखते हैं ना, ये तो खींच के भी नहीं देख सकती, क्योंकि खींचता आदमी इतना तो कोई खींच ही नहीं सकता ना। ये तो दो आदमी पकड़ते हैं किधर से, फिर दूसरा भाग के जाता है उधर से, फिर ये छलांग लगाती बीच में। वो खुद ही हंस पड़ी है। आप ये इसका अंडरवेयर ना, जो आप नीचे से सिल दो ना, आप 200 क्विंटल गेहूं भर सकते हो उसमें। अगर आपको लगता है कि ये मशीन काम नहीं करती है तो हम डेमोंस्ट्रेशन देख लेते हैं। मैं इस मशीन में घुस जाती हूँ, आप देखिए अच्छा खासा काम करती है ये। आइए ले भाई, मशीन बंद हो गई। वेल मच्छी घुसने लगी अंदर। देखते सही, देखिए जरा। ओहो, ये पेट में क्या क्या स्टोर करके रखा तूने? ये तो कन्फेक्शनरी की दुकान लग रही है, पूरी बेकरी है। ये तेरे पेट में कैंची क्या कर रही है? ओ, क्या होता है ना डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कई बार जब ऑपरेशन करते हैं तो मरीज के पेट में कैंची भूल जाते हैं, तो इसलिए सेफ्टी के लिए एक मैंने अपने पेट में ही रख ली है। एक बात बता बंपर, तेरे पेट में बल्ब क्यों है? तेरे लीवर को कौन सा पढ़ लिख के जॉनी लीवर बनना है? क्या है ये? अब आपने देख लिया कि मशीन चल तो रही है। खैर, क्योंकि ये मशीन चल रही है, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को एक बार बुला के लाती हूँ, क्योंकि उसके बाद इनॉग्रेशन तो आप ही के हाथों से होना है। ओके, आप यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, मैं लेकर आती हूँ डॉक्टर। अरे हाँ हाँ, प्लीज दबा। बदतमीज। ओ वाओ, ये किसी ने मुझे बताया नहीं कि हमारी सोसाइटी में सर्कस आया हुआ है। हाँ, बस रीच की कमी थी, वो भी आ गया है। किस दिन तेरी गर्दन ऐसे गिरेगी देखना, घूम के उधर चली जानी है। ढूंढ 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 क्या क्या करती रहती है तुम? वैसे एक बात बताइए, क्या है? आपके बातों की तरह फालतू लोग कौन है ये? बंपर, तमीज से बात करो, ये कप्पू के मौसा मौसी। ये मौसा मौसी है? हाँ। इससे अच्छा होता कि गर्मा गर्म डोसा डोसी मंगा लेते। और ये सफेद पूंछों की दुकान वाइट वाइट से, ये कौन है? भाई झुक के सलाम करो, हमारे पूर्वज आए हैं। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन बुजुर्गों का इलाज मैं अकेले में करती हूँ। ये क्या करने आए हैं यहाँ पर? अरे ये हमारे नए पड़ोसी है, इस घर में अभी भी शिफ्ट हुए हैं। ओहो, ऐसे कैसे शिफ्ट हो गए, मुझसे तो पूछा ही नहीं। तुमने पैदा होने से पहले पूछा था? लोगों का एक डेट ऑफ बर्थ था, ये 6 महीने का प्रोसेस था ये। कपूर शर्मा, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं बंपर, रहती हूं अपने दम पर।
एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कप्पू के साथ ऐसे बात करने की? तू है कौन? अब देख नहीं रही है, मैं एक अबला नारी हूँ। तू अबला नहीं, तू उबली हुई नारी है। खबरदार जो तूने हमारे भाई साहब के साथ ऐसी बात की तो। खबरदार जो तुमने मुझे भाई साहब कहा तो। आप मुझे कहते क्यों नहीं? खुश रहो बेटा। मैं उस छुटंकी को नहीं, इस पहलवान को बोलने के लिए कह रही हूँ। अरे पहलवान तो पहले से ही खुश पड़ा हुआ है। पहलवान है, खुश रहता है। मैं तो कहता हूँ चलो हम दोनों भी चलते हैं अपने नए घर में, खुश रहते हैं। आओ, 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 आओ। ये तो भाई भात घूम फिर कर वही आ गई। पैसे हमने दिए हैं, पहले हम रहेंगे यहाँ पे। पहलवान भाई साहब पैसे तो हमने भी दिए हैं। लेकिन मैंने तो 1000 रुपया रूम दिखाई का भी दिया है। रूम दिखाई नहीं होता, मुंह दिखाई होती है। देखो आपने 1000 दिए हैं, इन्होंने 10000 दिए हैं। हाँ। तो मैं भी दे सकता हूँ, इसमें क्या है? ये लो दे दो भाई, मामूली आदमी नहीं है, ये लो पकड़ो। अरे अरे कप्पू तू इनसे पैसे कैसे ले सकता है? जैसे आपसे लिए हैं ऐसे करके। तो ठीक है हमारे पैसे लौटा दो, हम चले जाते हैं। कौन से पैसे? मैंने जो दिए 10000। तो 10000 आपने दिए ना। 10000 इन्होंने, 20000 हो गया। हिसाब बराबर करेक्ट है। ये कैसा हिसाब है? मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अरे एक मिनट, अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं रहना है तो ये लो 1000 पकड़ो, और आप भी लो 1000, चुपचाप निकलो। 2000 है, 1000 बाद में वापस कर देना, ठीक है? अरे लेकिन भाई 1000 का हिसाब कैसे? देखो आप लोगों ने मुझे 10000 दिया, अब आपको जरूरत पड़ी मैं आपको 1000 नहीं दे सकता। मान गए कपूर शर्मा, मान गए। क्या कमाल का बेवकूफ बनाया आपने। देखिए मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये वाला जो अस्पताल की तरफ जाता है, मैं चलती हूँ। अच्छा देखो अभी जानवर भी घरों को लौट रहे हैं, आप लोग भी निकलो। यार जी जानवर कहाँ है यहाँ पर? मैं तो घबरा गई थी। वो तुम्हें जानवर बोल रहा है। ओ अच्छा, मुझे तो वैसे भी ये लोमड़ी भी यहाँ पर क्या करेगी। चल मेरे साथ ही चलना, आजा। हाय हमने बाद में फोन करके। हाय 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 हाय, कैसे हो आप? हेलो हेलो हेलो, हाय हाय। एक मिनट, अरे रुक जाओ बेटे, बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, मुझे उनको हल जाएगी बेटा, छोड़ दो। हेलो सर। हाय डार्लिंग। हाय हाय हाय, मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। बैठो बच्चों, बैठो 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 बैठो। I'm so excited, बमन सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ यार यार, रियली रियली, आज देखिए कमाल की बात है बमन सर, यहाँ पर एकदम अजीब सा हुआ है। देखिए यहाँ पे है सरकार, यहाँ पे सबसे बड़े कलाकार, और यहाँ एक आदमी बेकार। हजार सालों में ऐसा कॉम्बिनेशन ना कभी कभी होता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। तो गाइस अगर आपको इनका चेहरा पसंद ना आया तो इसको ब्लॉक करें। तो मुझे आज क्या 100वां एपिसोड है, उसमें भी आप ऐसी बातें करेंगे मायूसी वाली? आप अपने जीवन में थोड़ा हर्षोल्लास लाइए ना। हर्षोल्लास? हाँ मतलब ये कोई दो लड़के नहीं है, हर्षोल्लास मतलब हैप्पीनेस लाइए। अच्छा खुशियां लाइए, आप इतना उदास क्यों रहते हैं? लोगों से मिलिए, यू विल फील हैप्पी। मुझे देखिए मैं कितनी खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ कि नहीं? हाँ आप लोग मुझे जानते हो ना। देखिए बच्चा बच्चा मुझे जानता है, देख रहे हैं आप। वैसे बमन सर मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, इतने सालों पहले अमिताभ बच्चन जी ने कह दिया था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर उसके 30 साल बाद फिर भी आपने डॉन को पकड़ने की एक नाकाम सी कोशिश की। साफ साफ बता दिया गया था, आपको क्या लगा डॉन थोड़े से बूढ़े हो गए होंगे, शायद पकड़ लेंगे आप? ऐसा नहीं होता सर, बस आधा मिनट और है, बस फिर चली जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। जाएगी जरूर ना। हाँ बमन जी आप इनकी बातों पे बिल्कुल भी तवज्जो ना दीजिए, ओके? बिल्कुल नहीं। वैसे आप सर, आप मुनाबा एमएबीएस में डॉक्टर बने थे ना, बस आपसे ही मैं एकदम इंस्पायर होके मैं भी इस मेडिकल इसमें आई हूँ फील्ड में। ये मेडिकल फील्ड सर इनका कोई नहीं है, झूठ बोलती है। आपको पता है वैसे ताकतवर है, भगवान ने ताकत दी है, ऐसे नारियल को पकड़ के दबा के नारियल तेल निकाल देती है। कल तो दो भैंसों को इसने ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे दबाया, दूध निकाल दिया। एक तो इतनी जोर से दबाया कि उसका सीधा पनीर निकला।
बच्चों, you will be friends with me. Yeah. No बच्चों, ये दोस्ती करके टिफिन खा जाती है बच्चों के. बिल्कुल नहीं. Friends के बीच में ये चलता रहता है. No 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 no. और friends के बीच में चलता है. ठीक है, friends के बीच में चलता है, लेकिन खोल के खाओ ना टिफिन समेत. कौन खाता है? जब पता है अंदर खाना ही है तो खोलने की क्या जरूरत है? खा लो, खाने में क्या जा रहा है? वैसे मैं आप लोगों से सवाल पूछूं. हाँ? एक बार एक टोकरी में 5 आम थे. हाँ? उसमें 2 सड़ गए, तो अब कितने आम है? तीन. नहीं, 5 ही आम है ना. 2 तो सड़ गए, तो क्या वो आम है? केले थोड़ी ना बन गए. बच्चों, वाह बंपर वाह, क्या बच्चों वाला चुटकुला सुना दिया. ठीक है, एक बार ना एक स्टूडेंट था, वो क्लास में आया. ओके, वो क्लास में जैसे आया टीचर ने काला चश्मा पहन लिया. बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत ब्राइट था. बच्चों आपको पता है बंपर दीदी की चोटी खींचोगे तो पानी निकलता है. अरे नहीं 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 नहीं, अभी खींचना नहीं है. काम करते ना, इतनी ताकत है, टग ऑफ वॉर ही खेल लेते हैं. खेलेंगे मेरे साथ? ओके ओके, रस्सी रस्सी. सुनो, अच्छा बच्चे एक तरफ, बम्पर एक तरफ. हाँ, यहाँ पे था. ओ, अब मैं फोकस कर पाऊंगी कि नहीं पता नहीं. अच्छा रुको रुको, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.